मैं हूं अभी दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अचानक गिर पड़ी स्कूल की दीवार। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के हनूर गांव में रहे सरकारी स्कूल की दीवार अचानक गिर पड़ी। सभी स्टूडेंट्स प्रेयर के लिए बाहर गए थे, तभी यह हादसा पेश आया है। लेकिन इस घटना में किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस स्कूल की 12 क्लासरूम में से 8 कस्ता हाल में हैं, जो कभी भी गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। इस पर कई बार शिक्षा विभाग से इनकी मरम्मत की अपील की गई है, लेकिन आज तक कोई काम ना होने की बात कह रहे हैं यहाँ के टीचर्स। एमबी पाटिल की सांड से तुलना की। विजु गौड़ा पाटिल ने केपीसीसी प्रचार समिति अध्यक्ष एमबी पाटिल को उन्हीं के क्षेत्र के बीजेपी के निर्वाचित उम्मीदवार विजु गौड़ा पाटिल ने जिले के नागठान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बबलेश्वर में मेरे साथ चुनाव में सांड कुश्ती कर रहा है, उस सांड को वहां से बेड़ियों के जरिए भगाने की जरूरत है, कहकर बिना नाम लिए ही एमबी पाटिल पर निशाना साधते हुए सांड कहा विजु गौड़ा पाटिल ने। नकली मार्क्स कार्ड के जाल पर पुलिस ने लगाई लगाम। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की ओर से 29 विश्वविद्यालय से नकली मार्क्स कार्ड तैयार कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1500 नकली मार्क्स कार्ड, 80 नकली सील और 30 होलोग्राम सील को जब्त कर लिया है। सीसीबी पुलिस ने एक मार्क्स कार्ड के लिए 1,00,000 से 15,00,000 रकम तय की थी। इन जालसाजों ने आज इसकी जानकारी दी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने। नगर सभा के खिलाफ सदस्यों ने की हड़ताल। कोलार नगर सभा दफ्तर में आज बाबा साहब अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिन के चलते देश भर में अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन कोलार नगर सभा में ना मनाने से गुस्सा हुए बाकी सदस्यों की ओर से ऑफिस के बाहर हड़ताल की गई और अध्यक्ष को इस्तीफा देने की मांग की सदस्यों ने। टोल गेट के पास करवे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। बेलगाम में महाराष्ट्र के मंत्रियों के आगमन के चलते बेंगलुरु से आए कर्नाटका रक्षणा वेदिके के राज्याध्यक्ष नारायण गौड़ा के नेतृत्व में हिरे बागेवाड़ी टोल गेट के पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़कर महाराष्ट्र से आ रहे मंत्रियों को रोकने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने सभी कन्नड़ा संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस वाहन में घसीटते हुए ले गए, जहाँ पर कई समय तक माहौल गरमाया हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। धारवाड़ शहर के विवेकानंद सर्कल में एमएलए अरविंद बेल्लत के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव समीक्षा में बीजेपी की जीत बताने से एडवांस में ही पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर जश्न मनाते नजर आए बीजेपी वाले। माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप रद्द होने पर जेडीएस की ओर से एहतजाज। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की ओर से मुस्लिम माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स को पहली से आठवीं कक्षा तक दिए जाने वाले स्कॉलरशिप को अचानक बंद करने से नाराज लोग अब अपना गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह बीदर के बसवा कल्याण में स्थानीय जेडीएस पार्टी के नेताओं की ओर से एहतजाज किया गया और दोबारा इस स्कॉलरशिप की योजना को शुरू करने की मांग की गई। शायद इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच पाए। महाराष्ट्र की लॉरी पर पथराव। आज बेलगाम हाई वोल्टेज से भरा जिला बना हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के मंत्री बेलगाम आने की खबर मिलते ही माहौल गर्मा सा गया है। बेंगलुरु और राज्य भर से आए कन्नड़ा संगठनों के कार्यकर्ताओं की ओर से महाराष्ट्र से आ रही लॉरी पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है यात्री और वाहनों को। SSLC एग्जाम्स टाइम टेबल अनाउंस। 2022 और 23 में होने वाले 10वीं कक्षा के एग्जाम्स के टाइम टेबल को कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किया गया है। मार्च 31 से अप्रैल 15 तक एग्जाम्स चलाई जाएंगी। 31 अप्रैल को फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू,
4 अप्रैल को मैथ्स और सोशियोलॉजी, 6 अप्रैल को सेकंड लैंग्वेज, 8 अप्रैल को इकोनॉमिक्स, 10 अप्रैल को साइंस, 15 अप्रैल को थर्ड लैंग्वेज की एग्जाम्स चलाई जाएंगी राज्य भर में। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में AIMIM की एंट्री। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM धीरे धीरे देश भर में अपने पैर फंसा रही है। पिछली बार हुए हुबली महानगर पालिका और बीजापुर महानगर पालिका चुनाव में AIMIM ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रही थी। इसी तरह 2023 में होने वाले विधानसभा MLA इलेक्शन में कर्नाटका में रहे 224 क्षेत्रों में से इस बार AIMIM की ओर से 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है पार्टी। बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा, हुबली में 3, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, शिगामी जो हाली CM बसवराज बोम्मई का क्षेत्र है, वहाँ से भी उम्मीदवार को उतारने का प्लान बनाया गया है। MIM पार्टी की ओर से ये तो समय ही बताएगा कि जनता का वोट किसे मिलेगा। राशन चावल की चोरी, पुलिस ने किया लारी को सीज। चामराजनगर जिला टी नरसिंहपुर में लारी में भर भर के ले जा रहे सरकारी राशन पर नरसिंहपुर पुलिस ने रेड करके 2,40,000 कीमत के राशन के चावल की बोरियों को जब्त करते हुए एक गुड्स वाहन और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन चावलों को चामराजनगर से मंडिया जिले को ले जाया जा रहा था। महापरिनिर्वाण दिवस के चलते DC के साथ भिड़ गए नेता। आज अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस को उनके पुण्यतिथि के नाम पर भी मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी अपने जीवन को निर्वाहन में लगा देना यानी सुख संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाना। इसी तरह अंबेडकर जी ने भी कई दलितों को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की शपथ दिलाई थी, इसे भी महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया था। आज मैसूर के अंबेडकर सर्कल के पास इस प्रोग्राम के दौरान DC राजेंद्र ने जानबूझकर बौद्ध धर्म के गुरुओं को इस कार्यक्रम में आह्वान नहीं किया कहते हुए DC के साथ भिड़ गए दलित संगठनों के नेता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।